I don't remember, but I had seen you somewhere. Are we met before? What you do? What? You work for my company? Yeah, I am the chairman of the company. What's your name? What? Harsh. Harsh. अरे हाँ, तू तो मेरे कॉलेज में था यार। अरे मैं तुम सब लोग मुझे अरे तुम सब लोग मुझे थरकी थरकी करके बुला दी थी ना। याद आया कुछ? अरे हाँ, मैं वही हूँ। अरे कैसा है तू? अरे हाँ यार, मैं तो कंपनी का मैं चेयरमैन बन गया, लेकिन तू कैसा है? अरे क्या यार, तेरे साथ साला कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तेरा एक तो ना तो फोन नंबर है ना कुछ, तो कैसे? अरे काय का बड़ा आदमी, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, दोस्तों के लिए थोड़ी कोई छोटा बड़ा होता है। वैसे कैसा है तू? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, लास्ट ईयर में हम जब थे तब हम ऑटो से हम गए थे, शेयरिंग ऑटो से। तब तेरे पास पैसे नहीं थे, तो तूने मेरे से पैसे लिए, वो तूने वापिस नहीं दिए। अब देगा? हम्म, तेरे सैलरी से कट करूं? मजाक कर रहा हूं यार। कैसा है तू यार, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में है तू? हाँ, ओ अच्छा, अकाउंटिंग। अच्छा, मतलब तूने किया क्या है? अरे मैं काम की बात नहीं कर रहा, मतलब एजुकेशन में तूने मतलब क्या किया? मतलब कॉलेज तो हम मतलब साथ में हम थे, लेकिन उसके बाद में तूने क्या किया? वो अच्छा एमबीए किया था? ओ अरे हम लोग ने तो मतलब साथ में हम लोग ने बीकॉम किया था उसके बाद तो। अच्छा एमबीए मतलब किस में किया था तूने? फाइनेंस में किया था? ओ अच्छा, तो अभी मतलब कौन से डिपार्टमेंट में तू बोला? अच्छा अकाउंटिंग। ओ अच्छा है यार, क्या शादी भी हुई है? लड़की नहीं मिली तुझे? लड़की नहीं मिली? क्या पागल बना था यार, सारी कॉलेज की लड़कियां तो तुझ पे तो मरती थी है? साला हमको तो बस तू बस टांग देता था। बोल रहा कोई है क्या? सच में? सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? क्या हुआ बोल ना, अचानक से इतना तू मायूस क्यों हुआ? मतलब तेरी शादी की बात मैंने निकाली इसीलिए क्या? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं मतलब मुझे तेरे बारे में कुछ पता नहीं यार, कॉलेज के बाद तो कुछ पता ही नहीं तेरे बारे में, क्या हुआ है बोल ना। डोंट वरी, यहाँ पे कोई नहीं, और वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं आएगा। बोल ना क्या हुआ? अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ यार, बोल क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कोई फाइनेंशियल इश्यू है? मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या तेरी शादी हुई थी? शादी हुई थी का मतलब क्या होता है? व्हाट, क्या बात कर रहा है यार? मतलब 3 साल पहले तेरी शादी हुई थी, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तेरी वाइफ का, लेकिन कैसे? अच्छा हाँ, अच्छा मतलब तेरी वाइफ ऑफिस जाती थी स्कूटी से? ओ तो, अच्छा मतलब ट्रक वाले ने उसे मतलब गलती से उड़ा दिया, मतलब उसमें तेरी वाइफ, ओ अच्छा एक्सपायर हो गई। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में।
आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम सॉरी। एक्चुअली ये बात मुझे अब कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ आगे कुछ सोचा नहीं तूने? नहीं मतलब मैं करियर की बात नहीं कर रहा यार, मतलब दूसरी शादी वगैरह ऐसा कुछ। हाँ मतलब क्या बात कर रहा है, तुझे बेटा भी है? मुझे कुछ नहीं पता यार तेरे बारे में। अरे कॉलेज के कोई भी फ्रेंड्स मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं तेरे बारे में। अच्छा ठीक है, तो अभी तेरा बेटा कैसे है? क्या बात कर रहा है, तेरा बेटा 1 साल का है? ओ अच्छा नाइस। लेकिन तूने मतलब दूसरे शादी के बारे में नहीं सोचा? एटलीस्ट तेरे बेटे के लिए माँ का प्यार तो होना चाहिए ना यार। मैं जानता हूँ यार तू उस लड़की को तो नहीं भूल सकता, लेकिन ठीक है देख देख प्लीज तू मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानने की। ठीक है दैट्स ओके। पानी रुक, मैं पानी मंगा। हाँ पानी नहीं चाहिए। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, लाइफ है यार ये सब होता रहता है। लेकिन तुझे अब तेरे बेटे के लिए अब जीना होगा, ठीक है? मायूस मत हो। और हाँ कोई भी अगर मदद अगर चाहिए तो बिंदास बोल, ठीक है? एंड आई एम सॉरी अगर मैंने अगर कुछ अगर गलत अगर बोल दिया हो तो। जिंदगी भी क्या खेल खेलती यार, तेरे जैसा इतना अच्छा इंसान उसके साथ ऐसा क्यों? छोड़ छोड़ वो अभी बातें छोड़, मैं जानता हूँ तुझे तकलीफ हो रही है। आई एम सॉरी, मतलब मुझे ये बात मुझे पता ही नहीं थी, सो इसलिए गलती से मैंने वो तेरे शादी का टॉपिक। आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी।